गुड़हल के पौधे की जो केयर होती है, इसमें ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए जो काम करने पड़ते हैं, वो आज पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। कई लोग पूछते हैं कि हमारे गुड़हल के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, या कलियां बहुत गिर रही हैं उसकी, या कलियां बन नहीं रही हैं। तो आज मैं बताऊंगा आपको किस चीज़ से आपकी फ्लावरिंग रुकी हुई है, क्या कारण है। तो इस समय जो है, आप नर्सरी से गुड़हल का पौधा लाते हैं, या कई लोगों के पास जो पहले से गुड़हल के पौधे होते हैं, गुड़हल के पौधे में दो वैरायटी आती है, एक हाइब्रिड वैरायटी का होता है और एक देसी वैरायटी का। देसी वैरायटी का जो होता है, आप उसको गमले में भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें गमले में ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उसमें जो हम खाद वगैरह देते हैं वो कम पड़ जाती है, और गमले का साइज जो छोटा होता है उसकी वजह से उसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। तो आप कभी भी जब देसी वैरायटी का जो गुड़हल होता है उसको जमीन में लगाने की कोशिश करें। अगर उसको गमले में लगा रहे हैं तो बड़े साइज का पॉट लें और हर साल उसकी रिपोर्टिंग करें। रिपोर्टिंग मतलब उसकी जड़ों को निकाल के दोबारा से उसको उसी में रिपोर्ट करें, उसी गमले में रिपोर्ट करें। और जो हाइब्रिड वैरायटी का होता है, ये आपको नर्सरी में अलग अलग कलर के बहुत प्रकार के मिल जाएंगे। इस समय जो है, आप गुड़हल का पौधा अगर लाते हैं नर्सरी से, या आपके पास पहले से अगर कोई प्लांट पड़ा है गुड़हल का, उसमें अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो सबसे पहले तो एक कारण रहता है कि आपने जैसे पौधा लगाया है गमले में, उसको ऐसे ही रहने दिया और उसकी कोई रिपोर्टिंग नहीं करी, उसकी प्रूनिंग नहीं करी, तो उसमें फ्लावरिंग 1-2 साल तो होगी, उसके बाद उसमें फ्लावरिंग होना बंद हो जाएगी। तो सबसे पहले आप उसकी प्रूनिंग जरूर कर दें। प्रूनिंग मतलब होता है कि जैसे हम पौधा लेते हैं, उसके बाद थोड़ी सी वो ग्रोथ कर लेता है, उसके बाद उसमें अलग अलग ब्रांचें निकलती हैं, तो अगर उसकी आप कटिंग करते रहें इस प्रकार से, देखिए जैसे मैंने कट करते रहता हूँ, हर साल इसकी प्रूनिंग करता हूँ, तब इसमें नए फ्लावरिंग होती है। क्योंकि अगर एक बार फ्लावरिंग होगी, उस ब्रांच में दोबारा फूल नहीं आएंगे आपके। तो आप इसकी प्रूनिंग जरूर करें गुड़हल के पौधे की। और इसमें जो खाद देते हैं आप, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट तो देते होंगे, उसके साथ साथ आज मैं आपको एक ऐसी खाद बताऊंगा जिससे कि आपके पौधे में ग्रोथ भी अच्छी होगी और उसकी फ्लावरिंग भी बहुत बढ़िया होगी। जिस प्रकार से देखिए मेरे गुड़हल के पौधे में कितने फूल खिले हैं देखिए, और रोज इसमें 4 से 5 फूल रोज मिल जाते हैं मुझे। और एक दिन, जैसे ये वाला गुड़हल के पौधे होते हैं जो हाइब्रिड वाले, इसका फूल जो होता है 2 दिन कम से कम खिला रहता है। अगर आपको इसकी जो फ्लावरिंग चाहिए, अगर आपको जनवरी जनवरी तक ये इसकी फ्लावरिंग होगी, जैसे मौसम थोड़ा ठंडा, जिस जब पाला पड़ने लग जाता है तो उस समय फ्लावरिंग करना बंद कर देता है। तो इस प्रकार से आप इसमें साल भर फ्लावरिंग ले सकते हैं गुड़हल के पौधे से। केवल सर्दियों के समय 1 से 2 महीने इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। तो इसमें जो खाद देते हैं उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। उससे पहले, अगर आपने गुड़हल का पौधा अगर छाया वाली जगह में रखा है, उसकी वजह से भी इसमें फ्लावरिंग कम होती है। अगर आप गुड़हल के पौधे को पूरे दिन की धूप में रखेंगे तो इसमें फ्लावरिंग भी अच्छी होगी, और अगर इसमें आप पानी की मात्रा उचित रखेंगे, देखिए जैसे मेरा ये दो ये गमला है, देखिए जैसे ये दिखाता हूँ आपको, ये है इसकी मिट्टी, देखिए आप कितनी अच्छी बनी है। देखिए इसमें जो है मॉइस्चर हल्का दिखेगा आपको, और जो है इसमें देखिए जैसे कई प्रकार की, कई लोगों की जो मिट्टी होती है पौधे की, उस वो बहुत हार्ड हो जाती है। ये मेरे पौधे की मिट्टी देखिए कितनी भुरभुरी है, इस वजह से इसमें पानी रुकता नहीं है। पानी रुकेगा तो आपके पौधे की जो है कलियां जो है गिर जाएंगी पीली होकर। कलियों का गिरने का जो मेन कारण यही होता है, अगर आपके पौधे में कलियां बन रही हैं, अगर वो इस प्रकार से गिर रही हैं, देखिए अगर सारी कलियां ऐसे ही पीली होकर गिर रही हैं, तो समझिए उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है। तो आप उसको पानी की मात्रा कम करिए, और सबसे अगर आपका पानी भी कम देते हैं तब भी उसमें जो है कलियां गिर रही हैं, तो आप उसका ड्रेनेज होल चेक कर दीजिए। गमले का जो ड्रेनेज होल होता है नीचे से, इसको चेक कर लीजिए। अगर इसमें जड़ें जैसे रूट बाउंड हो जाता है, या कोई चीज़ फंस जाती है, उसकी वजह से भी इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है, और पानी रुक जाता है उसकी वजह से, और फ्लावरिंग भी नहीं हो पाती है। तो एक कारण तो यह है, आप ड्रेनेज होल जरूर चेक करें और पानी की मात्रा इसमें सीमित रखें। ऐसा नहीं कि पानी दे ही मत, 2-3 दिन तक पानी ना दें, ऐसा नहीं है। पानी रोज दें। जब भी आप मिट्टी उठाकर देखेंगे इस प्रकार से, तो अगर सूखी हुई नजर आ रही है तो आप इसमें पानी दे दें। और कभी भी पानी देते हैं तो इस गर्मियों के समय में इसमें जो है शावर जरूर करें। इससे क्या होता है, जो मिलीबग वगैरह लगती है पौधे में वो भी हट जाती हैं, और पौधे की जो पत्तियां हैं वो धुल जाती हैं। इस प्रकार से आपका पौधा हरा भरा भी रहेगा।
पानी देने की प्रक्रिया इस प्रकार से रखें आप। और एक मेन चीज मैं बता रहा हूँ आपको, जो खाद जिस वजह से इसमें इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और अच्छी मात्रा में फूल खिल रहे हैं। ये देखिए, ये खाद ये है, ये पोटली में बना के रख रखी, ये है क्या, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ इससे फायदा क्या होता है। इस पोटली को आप बनाकर अगर अपने पौधे की इस प्रकार से गुड़ाई कर दें हल्की सी, और इसमें इस तरीके से दबा दें, इस पोटली को इस तरीके से दबाने के बाद इसमें पानी दें, आपको 1 महीने तक इसमें खाद देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 1 महीने तक के लिए पर्याप्त है ये पोटली। और इसमें अगर आप पानी दे देंगे तो ये पौधे की जड़ों में मिलके पूरे जड़े इसको खींच लेंगी, और आपके पौधे में फ्लावरिंग भी अच्छी होगी, और जो रुकी हुई ग्रोथ होती है पौधे की वो भी एकदम से तेजी से बढ़ेगी। तो इस खाद को क्या कहते हैं और इसको कैसे देना है आपने और कब कब देना है, ये मैं पूरी जानकारी देता हूँ आपको। ये खाद जो होती है ये आपको मार्केट से मिल जाएगी या आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। ये देखिए, ये खाद है, ये सफेद सफेद आपको दिख रहे होंगे, ये छोटे छोटे दाने दिख रहे होंगे, इसको कहते हैं DAP। ये आपको मार्केट में मिल जाएगी, डाई अमोनियम फॉस्फेट होता है ये खाद। ज्यादातर लोग जो यूज करते हैं, किसान जो यूज करते हैं अपने फसलों में करते हैं, इसको अगर हम इसमें यूज करेंगे तो कम मात्रा में देनी है, क्योंकि अगर हम ज्यादा मात्रा में दे देंगे ये DAP तो इससे पौधा जल्दी खराब हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत खाद जो होती है पौधे को एकदम से, ये गर्म खाद होती है पौधे के लिए। गर्मियों में दे रहे हैं तो कम मात्रा में ही देनी है, और जाड़ों में दे रहे हैं तो थोड़ी सी मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो इस खाद को देना कैसे है आपने, जैसे मैंने पोटली बना रखी, कोई भी आप कॉटन का कपड़ा लीजिए, इस प्रकार से देखिए, आपने कॉटन का कपड़ा लेना है, और उसमें इसके 5-6 दाने आपने गमले के अनुसार, अगर आप गमले में लगा रहे हैं, देखिए 12 इंच का गमला है, तो 5-6 दाने पर्याप्त हैं 1 महीने के लिए, आप इसमें कोई दूसरी खाद ना दें। हाँ, गोबर की खाद और चाय पत्ती वगैरह आप दे सकते हैं, वो एक नेचुरल खाद है, और ये जो है केमिकल खाद है। ये देखिए डाई अमोनियम फॉस्फेट है, इसमें छोटे छोटे दाने हैं इसलिए मैंने इसको ज्यादा मात्रा में रखा है, छोटे छोटे दाने हैं इसमें जो होते हैं बड़े साइज के भी, और कलर ब्लैक भी आता है, आप कोई सा भी कलर कोई भी हो, लेकिन DAP कहकर अगर आप मार्केट से लेंगे तो आपको मिल जाएगी, ऑनलाइन भी मिल जाएगी। इसके 4-5 दाने आप अगर पौधे के दे रहे हैं तो इस प्रकार से पोटली बनाकर इसको पौधे की जड़ के, जैसे ये जड़ है, जड़ के पास नहीं रखना है, जो ये पौधे की जो लास्ट गमले की जो लास्ट वाली मिट्टी होती है इस साइड में लगाकर इसको इस तरीके से दबा देना है, और इसमें पानी देते रहेंगे 10-15 दिन तक, ये खाद जो है घुलते रहेगी आपके पौधे में, और पूरे महीने इसमें फ्लावरिंग भी अच्छी होगी, और इसी प्रकार से इसमें देखिए कलियां भी बहुत ढेर सारी बनेंगी, और हर रोज आपको 3-4 महीने लगातार इसमें फ्लावरिंग आपको मिल जाएगी। ये देखिए मेरे 2 पौधे हैं, दोनों में देखिए मैंने ये खाद दे रखी है, तो इसमें फ्लावरिंग भी अच्छी होती है, और आपको अगर पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है तो ग्रोथ भी बढ़ेगी। तो आप इस खाद को जरूर दें अपने पौधों में, अप्लाई करें, और ज्यादा मात्रा में न दें, साथ साथ इसके चाय पत्ती की खाद, केले के छिलकों की खाद और गोबर की खाद आप दे सकते हैं। धन्यवाद।